फ्रेंड्स, आई एम शैलेश प्रजापति। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 2, लैंड सॉयल एंड वाटर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। आज हम लोग इस वीडियो में जो सॉयल का डिग्रेडेशन मीन्स इरोजन होता है, भूमि का ख़राब होना होता है, और सॉयल कंजर्वेशन मीन्स उसके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एज यू नो, सॉयल इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। जैसा जानते हैं, सॉयल एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए इसका हमें कंजर्वेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। सॉयल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉयल एज ए रिसोर्स। देखिए, जो सबसे मेन समस्या क्या हमारी है, सॉयल इरोजन, भूमि का क्षरण होना, भूमि का कटकर बहना, और डिप्लेशन, खराब होना, आर दी मेजर खतरा है, खतरा है इस सॉयल रिसोर्स का। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल। देखिए, इसके जो डिग्रेडेशन सॉयल में जो भूमि का क्षरण हो रहा है, जो कटाव हो रहा है, या भूमि का जो अपक्षय हो रहा है, उसके दो कारण हैं। एक ह्यूमन फैक्टर, दूसरा क्या है, नेचुरल फैक्टर्स। फैक्टर विच लेड टू सॉयल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों का कटना, पेड़ों का कटना, ओवर ग्रेजिंग मीन्स पशुओं द्वारा जो घास के मैदान हैं उनको पूरे जड़ से समाप्त कर देना, या उसको जला चर देना कि वो उसके बाद वो आगे न ग्रोथ कर पाए। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर पेस्टिसाइड्स। जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड में जो कीटनाशक दवाएं होती हैं उसका ओवर यूज करते हैं, तो भूमि में जो ये केमिकल्स हैं उसको क्षारीय बना देते हैं, या वह बिल्कुल अनफर्टाइल लैंड हो जाता है। रेन वॉश, जो भूमि वर्षा के द्वारा धुल जाती है, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, ये जितने भी रीजन्स हैं इसके द्वारा हमारा सॉयल क्या हो रहा है, डिग्रेडेड हो रहा है, तो इससे हमको बचाना चाहिए। तो सम मेथड्स ऑफ सॉयल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ कंजर्वेशन के मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लोग इसको सॉयल कंजर्वेशन को रोक सकते हैं। तो देखिए, हम जनरली हम कह सकते हैं जो सॉयल कंजर्वेशन को करने के लिए सबसे पहले जो जिससे डिग्रेडेशन हो रहा है उसी को हम रोक दें। जो डिफॉरेस्टेशन है तो डिफॉरेस्टेशन को क्या कर दें, हम लोग यहाँ पर एफॉरेस्टेशन में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा देंगे। जब अधिक से अधिक पेड़ पौधे लग जाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, वो ओवरग्रेजिंग को रोक दें। इन सभी चीज़ों को रोक करके हम क्या करेंगे, सॉयल को कंजर्व कर सकते हैं। नहीं, कुछ यहाँ पर सॉयल कंजर्वेशन के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है कंटूर प्लाविंग। ये कंटूर प्लाविंग क्या होता है, ऑन हिल साइड स्टोन्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर अक्रॉस द स्लोप फॉलोइंग कंटूर। कंटूर्स आर इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग प्लेस दैट लाइज एट द सेम एल्टीट्यूड। ट्रेंचेस आर मेड इन द फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। दिस वे आर प्रिवेंटिंग सॉयल इरोजन इन द कॉल इज कॉल्ड कंटूर बैरियर आर कंटूर बाउंडिंग। तो बता रहा है कि हिल स्लाइड, जो हमारे हिल स्लाइड होती है, जो हिल के ये हमारे हिल है, ये हिल स्लाइड पर जो पहाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर जो अगर हम कुछ ऐसे होते हैं हिल पर कि यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लैट टाइप होता है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, तो बता रहा है कि जो स्लोप टाइप होता है मेन बिल्कुल मानी इसका स्लोप इधर है, तो स्लोप टाइप भूमि पर खेती करने के लिए क्या बता रहा है कि यहाँ पर हम कंटूर मेथड का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर का प्रयोग करके, पीबल्स का प्रयोग करके हम लोग इसको रोकते हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटूर प्लाविंग करेंगे। कंट्रोल प्लाविंग जो होता है, हम भूमि की जो जुताई है हम ये इसकी दिशा में इस तरह से न करके, अगर इस तरह से कर देंगे जुताई हम, तो क्या होगा कि ये जो रेन वाटर है, जो वाटर फ्लोइंग वाटर है, इसके माध्यम से जो चैनल्स बन जाएंगे, ये कई चैनल बन के क्या करेंगे, ये मिट्टी को क्या करेंगे, ये बाहर ले जाएंगे।
तो इसको रोकने के लिए बताया कंटूर विद इक्विमिंग लाइन, जिसको सेम एल्टीट्यूड में इस तरह से करेंगे हम। अगर हम जुताई इस तरह से करते हैं तो क्या होगा, ये अगर फ्लोइंग वाटर आएगा तो बार बार यहाँ बैरियर बने रहेंगे, इस बैरियर पर ये इनकी जो गति है वो स्लो हो जाएगी, जिससे कि मिट्टी का क्षरण क्या होगा, काफ़ी कम होगा। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन। देखिए जो एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे टू कंजर्व द सॉयल डिग्रेडेशन। देखिए एफॉरेस्टेशन आर द इंक्रीज द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, इट इज द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉयल, रो ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड आर शॉर्ट डिस्टेंस इन द फील्ड प्रोवाइडेड शेल्टर बेल्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, शेल्टर बेल्ट हम क्या करेंगे, फील्ड के चारों तरफ क्या करेंगे, एक कम दूरी पर हम एक शेल्टर बेल्ट मीन्स ये यहाँ पर जो है इस तरह से पेड़ पौधे लगा देंगे कम दूरी पर। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी का जो क्षरण है डिग्रेडेशन वो रुक जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ से मिट्टी जो है बह करके नहीं जा पाएगी। साथ में अगर एयर हवा द्वारा भी अगर मिट्टी मूव होती है तो भी सूख कर गया, इससे रुका जा सकता है। ट्रेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, द ट्रेसेस रिड्यूस रन ऑफ एंड सॉयल इरोजन। देखिए ये बताया जा रहा है मेथड, जो हिल स्लाइड जो हिल एरिया होती है यहाँ पर हम खेती करेंगे तो अगर ये पानी का जो बहाव है ये तेज़ी के साथ नीचे जाएगा, तो इस पानी के बहाव को रोकने के लिए तेज़ी के साथ हम क्या करेंगे, एक टेरेस में सीढ़ीदार खेती करेंगे। अब जो सीढ़ीदार खेती क्या होती है, जैसे हम यहाँ पर बनाए फिर इस तरह से, सॉरी हम सीढ़ीदार जो खेती होती है इस तरह से बनाएंगे, जिससे कि स्लोप है तो अब यहाँ से जो वाटर आएगा यहाँ पर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, स्लोप होने के बाद नहीं आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं जो सीढ़ीदार खेती होती है ये जो मोस्टली हिली एरिया में होती है, यहाँ पर हम ट्रेस फार्मिंग करेंगे जिससे कि मिट्टी का जो इरोजन है वो बहुत कम हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग, देखिए हमें जो एनिमल्स द्वारा जो ग्रेजिंग किया जाता है उस फील्ड को बराबर चेक करना चाहिए, जिससे कि जो फूड क्रॉप्स हैं वो राइज अप हो सकें। चेंजिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, स्ट्रिप क्रॉपिंग, सोविंग इन द स्पेस बिटवीन द रो ऑफ वन क्रॉप विथ अनदर क्रॉप इंस्टेड ऑफ द लिविंग एट अनकल्टिवेटेड इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द सॉयल। देखिए जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है, ये यदि हमारा ये लैंड है हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं तो इस रो में हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को उगाएंगे, लेकिन इस रो को हम क्या करेंगे, लेफ्ट छोड़ देंगे, फिर अगले में क्या करेंगे हम लोग क्रॉप्स को उगाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है जिसके द्वारा हम जो सॉयल है इसको इरोड होने से बचा सकते हैं। जो दूसरा है ये क्रॉप रोटेशन, ये जो क्रॉप रोटेशन होता है उसमें हम ऐसे फसलों को बोएंगे जिसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पहले कम पड़ती हो, बाद में अगली बार में जिसको नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती हो। मल्टीपल क्रॉपिंग, देखो जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है इसमें एक ही लैंड में मीन सेम लैंड में हम वर्ष में एक से अधिक फसल को उगा लेते हैं। मान लीजिए फील्ड हमारी है, इस फील्ड में अगर हम दो फसल वीट और राइस दोनों खेती करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर इसमें हम केवल वीट की ही खेती करेंगे तो यह यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं होगा। तो हमें फसलों में क्या करना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग करना चाहिए। एंड इंटर क्रॉपिंग आर अदर वे टू मेंटेन द प्रीशियस सॉयल एंड लैंड रिसोर्स, इसके द्वारा हम अपने सॉयल को कंजर्व कर सकते हैं। टुमारो वी विल रीड अबाउट द वाटर रिसोर्स। थैंक यू।